किसको पसंद है इसकी सब्जी? मुझे बहुत पसंद है इसका जो मसाले वाले और भुजिया बहुत अच्छी लगती है। आपको इसकी रेसिपी देखनी है जरूर मेरे चैनल पे देखना। मैं अभी बनाऊंगी लंच। अभी मैं लंच के लिए इसकी तैयारी कर रही हूँ। आलू और बीन कटिंग करके मस्त मसालेदार, बच्चों के लिए जिस घर में बच्चे हैं उस घर में दाल की तो बहुत जरूरत होती है। दाल और बीन्स और आलू की सब्जी हमारी लंच की प्रिपरेशन। ओके गाइस, अभी हमारी सफाई किचन में, मैं सोची चलो किचन का काम करते हैं, लंच की तैयारी करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो, बच्चों के साथ साथ तुम बहुत मेहनत करती हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हो। चलो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड देखो हेल्प कर रहा है। नहीं, मेरे हस्बैंड कुछ भी बोलो, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। देखो ये थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो, पढ़ाई पे ध्यान देती नहीं हो, इसलिए बोल रहे कि चलो मैं बर्तन धो देता हूँ। बहुत सारे बर्तन है किचन पड़े हुए, तुम खाने की, तुम लंच की तैयारी कर लो, फिर फटाफट काम खत्म करो, तो फिर दोनों को भी खाना ना दो, फिर चलो दोनों जब सो जाएंगे तुम थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दो। और मेरे हस्बैंड थोड़ा अभी जॉब टेनिस प्लेयर है गाइस, मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा खेल के भी आया, ITF की थी भी, ITF की तैयारी कर रहे हैं इंटरनेशनल, और दोनों बच्चे खेल रहे इधर, दोनों बच्चे इधर खेल रहे हैं। दीप क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ आपकी फेवरेट सब्जी, देखो। ओए भाई क्या बात है, देखो दिखा दो, स्मरण तो कर दो एक बार। आपकी फेवरेट है ना? वाह, ये मेरी फेवरेट सब्जी है। सूखी आपको पसंद है ना? सूखी सब्जी। हाँ, बहुत पसंद है। सब्जी साथ दाल फ्राई और राइस। गुड गुड। हाँ हाँ। देखो सब्जी, किसको किसको पसंद है बीन्स की सूखी सब्जी? भाई मुझे पसंद है और सबको पसंद आएगी, जब मुझे पसंद सबको पसंद आएगी। ये हमारा लंच है, अब हम लंच कर रहे हैं भाई। मस्त मस्त सब्जी बनी है। यम्मी। हेलो गाइस, मैं भी जल्दी से नहा धो ली, तैयार हो गए हम लोग, नहा धो के सब रेडी है। नायरा भी नहा धो ली है। नायरा भी अभी नायरा देखने जाएगी डांस, बाहर डांस हो रहा है। नायरा
अब जाके मैं फ्री हुई हूँ गाइस। मेरी छोटी वाली बेटी सो गई है, तो इसके सोने के बाद ही मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। मैंने रीजनिंग एंड मैथ की एग्ज़ाम के लिए मैंने ये वाली बुक ले रखी थी। मैं जहाँ ऑफलाइन पढ़ाई करती थी वहाँ के सर ने मुझे लेके दिए थे। उन्होंने बोले ये बहुत अच्छा होता है, इससे आप पेपर की भी तैयारी कर सकती हो, जितने भी पेपर इसमें सॉल्व कर सकती हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी। और मैं जीके के लिए लूशन का जीके यूज़ करती हूँ। मैं इसी के साथ यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। साथ ही साथ आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहें, और जो भी नए हो गाइस प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि मोटिवेशन मिलते रहे और हम इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे गाइस।